जब तक तो आप आना चाहें यहाँ आ सकते हैं काका। ये आपका पूर्ण विराम है, अल्प विराम है काका। हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, यही नहीं लोगों को प्रतिभा निखारने का कार्य करें। मानसी के अध्यक्ष, मानसी गुरुकुल के अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़े, पिक्चर में इनका बड़ा जबरदस्त रोल। इन्होंने स्टार्टिंग फोन खराब हो गया है, बच्चे फोन नहीं करते, रुला दिया सर आपने, जो क्या कहना चाहेंगे पिक्चर के सब लेकर? ये संदेश एक, ये 90% घरों की यही कहानी है आजकल, सब बच्चे मोबाइल में बिजी हैं, विदेश में हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, वो संस्कार हमारे बीच में से गायब होते जा रहे हैं जो हमने यहाँ कोशिश की दिखाने की और वो संस्कार को जिंदा करने की, ये प्रयास हमारा रहा इसमें। क्योंकि मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूँ और मैंने इस पीड़ा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने अपने कार्य क्षेत्र को मैंने बहुत प्रबल बनाया, बनाने की कोशिश की और मैं उसी में लगा हुआ हूँ। आप लोगों की शुभकामनाओं। नहीं, अभी तो आप जैसे सहारनपुर के जवान व्यक्ति है, इस रिटायरमेंट तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज आपने लोगों, आज आपने तमाम लोगों को जवान करने का कार्य किया। रिटायरमेंट के बाद जो एक कोने में जाते हैं लोग बाग, यहाँ तक कि अभी पिक्चर में फिल्म आ गया कि चाय का कप भी छोड़ के चले जा रहे हैं जो आपके लीडरों के कलाकार थे, लेकिन इस तरह के आपने जो दोबारा शुरुआत की है जीवन की, दिखाने का काम किया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? यही जीवन है, मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो और अभिनय ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो, और हमेशा चलते रहो, चलने का नाम ही जिंदगी है, चलते रहो चलते रहो, जब तक सांस है तब तक आप काम करते रहो, बस यही यही जीवन है। अल्प विराम का अनुभव कैसा रहा सर आपका? बहुत अच्छा रहा, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ये सब बच्चों का ही कॉन्सेप्ट था, मुझे तो उन्होंने शूटिंग में बुलाया कि आपको 2 मिनट के लिए खड़े होना है और आपको ये डायलॉग बोलना है, मुझे नहीं मालूम कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन सब बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया संगीत दिया। सहारनपुर से बाहर पिक्चर निकल के हाईटेक सिटी में जा सके, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? एक जनता के लास्ट व्यक्ति को भी संदेश मिल सके इस पिक्चर का, उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए भी हमने लिंक इसका नहीं बनाया है, क्योंकि ये पिक्चर जो हमारे भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, उसमें ये फिल्म जा रही है, तो उसमें ये उनका प्रतिबंध होता है कि आप इसको वायरल नहीं करेंगे फिल्म को मोबाइल पे, तो हमने वायरल नहीं की। जब वो फिल्म फेस्टिवल 3-4 फिल्म फेस्टिवल में गई है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इसका लिंक शेयर करेंगे और विभिन्न स्कूलों में जाकर के इस फिल्म को हम दिखाएंगे बच्चों को। सहारनपुर में पिक्चर को लेके, फिल्म को लेके किस तरह का भविष्य देखते हैं आप? मैं तो कहता हूँ आजकल का फिल्म का भविष्य तो मोबाइल में सिमट कर रह गया सारा, या घर में टेलीविजन में सिमट कर रह गया फिल्म का भविष्य, लेकिन अगर इस तरह की फिल्में बनेंगी अच्छी तो फिल्म का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। मौजूद है अभी सिटी मिनिस्टर साहब, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे, जानेंगे कि ये पिक्चर के बारे में क्या कहना। सर अल्प विराम अभी आपने देखी है, मानसी का एक बेहतरीन प्रस्तुतिकरण है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्प विराम क्या पूर्ण विराम है जीवन का, या अल्प विराम छोटा विराम है, क्या मानते हैं आप रिटायरमेंट को? देखिए मूवी में जैसे दिखाया गया, अल्प विराम जो मूवी हमने देखी वो शुरुआत है असली जिंदगी की, और मैं इस मूवी के माध्यम से उन सभी लोगों को, ये एक प्रेरणा है उन सभी लोगों के लिए जिनको रिटायरमेंट होने वाला है या नियर भविष्य में होगा, और साथ में मैं पूरी टीम को, कलाकारों को, पूरी डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर और बाकी जितने भी कलाकार या पूरी टीम जिसने इतनी अच्छी मूवी बनाई है, मैं सभी का धन्यवाद दूंगा। और ये एक प्रेरणा है लोकल लेवल के कलाकारों के लिए कि इतना अच्छा वो लोग प्लेटफॉर्म पर अच्छा काम कर पा रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि मैं अगली फिल्म भी आगे इस तरह से देखूं उन्हीं के द्वारा, और मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए, धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में सुरेंद्र चौहान जी भी है, बातचीत करेंगे, जानेंगे पिक्चर देखिए सर क्या कहना चाहेंगे पिक्चर के बारे में, आप जो अभी आपने देखिए एक बेहतरीन प्रस्तुतिकरण जो उन्होंने दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी मूवी है और बड़े सेंटिमेंट्स जुड़े रहे जब फिल्म देखी हमने, और कलाकारों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया इसमें, और खासतौर से जोगेश कुमार जी, के गर्ग जी और हमारे और दूसरे कलाकार लोकल, आप सब लोगों ने एक बहुत अच्छे लेवल की, जैसे मुंबई के लेवल की ये जो शॉर्ट मूवी बनाई है, बहुत अच्छा मैसेज दिया, और मैं चाहूँगा किस तरह की शॉर्ट मूवी हमारे सहारनपुर के अंदर बनती रहनी चाहिए,
इससे अच्छी प्रेरणादायी बन सकती है एजुकेशन पर। सुरेंद्र जी आपसे पत्रकार है, किस तरह के इन्होंने संदेश देने का कार्य किया इस मूवी के माध्यम से, थोड़े बताएं। इसमें रिटायरमेंट से पहले आदमी की रिटायरमेंट होने वाला जो उसकी क्या साइकोलॉजी रहती है उस पर दर्शाया गया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे और बेहतर किया जा सकता है, अपने जीवन में और बदलाव लाया जा सकते हैं, सुधार समाज सुधारक के रूप में काम किया जा सकता है। आदमी के पास बड़ी फील्ड खुली होती है इसके बाद, वो करना चाहिए मेरा मानना। और मैंने देखा है कई लोग जो रिटायर होते हैं, कई लोग तो अपने बिजनेस की तरफ जाते हैं और कई लोग समाज की सुधार की तरफ जाते हैं, समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। और मेरा ये अपना मानना है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी को समाज की जो इसमें फैली बुराइयां हैं उनके सुधार के लिए आगे आना चाहिए, मतलब रिटायरमेंट के बाद लोगों को कुछ बेहतरी करना चाहिए, इस तरह के प्रेरणा देने का। हमारे साथ एमएलए से जुड़े हुए सुरेंद्र जावन जी भी हैं, हमारे उनसे बातचीत करेंगे। आपने अभी मूवी देख के बाहर आ रहे हैं, एक बेहतरीन प्रस्तुति देने का कार्य के मानसी ने किया, अभी मानसी से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का संदेश देने का कार्य किया आपने इस पिक्चर के माध्यम से? देखिए मानसी ग्रुप की पूरी टीम ने, के गर्ग साहब हमारे अध्यक्ष हैं, पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है इस फिल्म के माध्यम से और एक समाज के अंदर एक संदेश दिया है कि आदमी कभी रिटायर नहीं होता है अपने जीवन में, उसमें ना तो कोई उम्र बाध्य है, ना कोई नौकरी से रिटायर हुआ या अपने व्यापार से रिटायर हुआ, तो रिटायरमेंट नहीं है उसका, तो एक नया जीवन शुरू होता है, तो अपने आप को कभी रिटायर नहीं मानना चाहिए। अल्पविराम मूवी के माध्यम से यही संदेश दिया गया है। अल्पविराम पिक्चर में महिला अधिकारी के रूप में विशाखा खरनंदा जी हमारे साथ में है, इन्होंने खरबंदा जी ने रोल किया, अधिकारी का रोल किया, किस तरह का अनुभव रहा है, क्या संदेश देने का कार्य किया पिक्चर के नाम? ये मतलब लाइफ का फर्स्ट है मेरा एक्टिंग में, बट ये जो सोशल कॉज इन्होंने मुझे बताया है कि दिस इज द रोल एंड वी वांट यू टू डू इट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर इतना मैं जुड़ जाऊंगी, इतना इमोशनल हो जाऊंगी कि लास्ट के कुछ सीन में मेरे आंखों में आंसू लाने थे और मेरे टपके जा रहे थे, क्योंकि ये हर किसी के ज़िंदगी में ये मुकाम आता ही आता है जब हम ये फेस करते हैं और फिर कुछ साल में निकल जाते हैं इससे। पर ये जो आशाएं, जो डर होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, बच्चे हमारा कैसे साथ देंगे नहीं देंगे, ये एक फेस होता है, ये बच्चे हमें निकाल देते हैं और हम पा जाते हैं, तो ये हमारा एक अल्प विराम है, हमें रुकना नहीं चाहिए, कभी भी लाइफ में नहीं रुकना चाहिए। सब फैमिली, सब रिलेशन, सब फ्रेंड्स आपके साथ ही होते हैं, या आपके अंदर आपके भीतर का डर होता है, आपको उससे निकलना चाहिए और दुनिया आपके लिए हाथ फैलाए खड़ी है। ये आपका पूर्ण विराम नहीं, आपका अल्प विराम है, अ शॉर्ट पॉज ऑफ योर लाइफ। लेकिन देखने बात है कि रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर घरों में प्रताड़ित होते हैं, उनको दिक्कतें बहुत आती है, समाज में फ्री रहते हैं, तो पिक्चर का जो संदेश है वो पॉजिटिव संदेश रहा है, इस चीज को कितना फॉलो करेंगे, कैसे देखते हैं आप? हम भी बस बहुत जल्दी उस मुकाम पे आने वाले हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को बहुत बिजी रखिए, जितनी आप उम्मीद करेंगे और उतनी नहीं मिलती तो ही आपको ठेस लगती है। अगर आप उतनी उम्मीद ही नहीं करेंगे, आप देना सीखे ना, लेना सीखते क्यों हैं, ऊपर वाले से मांगे, वो आपको इतना हेल्दी रखेगा कि आप काम करते रहेंगे और कभी भी आपकी जिंदगी में पूर्ण विराम आएगा ही नहीं, और ऐसी आप लोगों को संदेश देंगे और हैप्पी हेल्दी रहें। विशाल जी अगर हम बात करें अल्पविराम का, किस तरह आभार और मानसिक का किस तरह आभार करना चाहेंगे, उन्होंने आपको एक मौका दिया है? मैं मतलब तहे दिल से बहुत थैंक यू कहूंगी, आई नेवर थॉट कि इतना बड़ा कुछ होगा और आज जैसे इतना बड़ा इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड इन्होंने इस मूवी का दिया है, एंड इंट्रोडक्शन टू मी ऑल्सो ऑन दिस स्टेज, आई एम सो थैंकफुल। आई हैव बीन वर्किंग, आई एम अ टीचर ऑल्सो, बट द थिंग इज मैं सिखा रही थी, आज इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि उसके अलावा भी बहुत जिंदगी है और कितना आपको इन्होंने अप्रिसिएशन दिलाया, आई एम सो थैंकफुल, बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूंगी। अपने एक बात बोलिए पिक्चर में कि अभी अपने अनुभव से पौधों को बढ़ाइएगा, तमाम लोग अनुभव के साथ रिटायर होते हैं, क्या समाज उनका लाभ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, आजकल लोगों ने शुरू भी करा है लेना, पर मैं चाहूंगी इस मूवी के जरिए और लोग भी ऐसी ही कोशिश करें, दोबारा से उन लोगों को उनको डाउन ना होने दें, क्योंकि जिंदगी में हमें किसी को डाउन नहीं करना, डाउन करते हैं ना तो दिल टूट जाते हैं, दिल नहीं तोड़ना, उनको बढ़ाना है। हमने भी उनको कहा आप जब तक आना चाहें आ सकते हैं, हो सकता है वो खुद ही ना आए, पर ये जो आपने एक सहानुभूति दिखाई है, आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू बिकॉज यू हैव डन सच अ हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क कभी भी जाता नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी अच्छा काम करिए, दिल से करिए, लोगों को खुश रखिए, लोग आपको हमेशा आगे भी खुश रखेंगे। पिक्चर देखने के बाद रिटायरमेंट को कैसे देखते हैं आप?
हम पिक्चर के बाद देखते हैं रिटायरमेंट, क्योंकि हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, चाहे हमें चोट लग जाए चाहे हमें कुछ हो जाए। मुझे भी 2 महीने पहले खुले की चोट लगी तो मैं भी देखने के लिए आया हूँ। और किस तरह से आभार देना चाहेंगे मानसी को, अल्प विराम को, एक जीने की एक नई कला? बढ़ते रहो, हमारी शुभकामनाएं। बस अभी अल्प विराम नहीं है, ये थोड़ा विराम है। रिटायरमेंट का मतलब बुढ़ापा नहीं है, ऐसा मानते हैं? ना, बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, जवान है अभी हम। चलिए, हमेशा सक्रिय रहता है। जी जी, पिक्चर देखने के बाद, पिक्चर देख के बाहर आए हैं अल्प विराम, एक बुजुर्ग जो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को समझता है, समाज के किसी काम से नहीं देखा जाता, पिक्चर में किस तरह संदेश देने का कार्य किया है? सर, पिक्चर में संदेश देने का कार्य किया है कि अपना जैसे भी बुजुर्ग है, इस पिक्चर को देखने के बाद वो जैसे कि फोन पर आते कि बताते कि हमारे बेटे का फोन नहीं आया। ये एक मार्मिक दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है। इसमें 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर चित्रण है मानसी अभिनय गुरुकुल का, अल्प विराम, श्री के गर्ग जी को और योगेश पवार जी को ढेरों बधाइयां तमाम। जी बताएं। हंसते हंसाते ओ मुस्कुराते, बढ़ते ही जाएं। जी धन्यवाद। फिल्म में फिल्माए गए ब्रजपाल जी का, पियोन ब्रजपाल जी का जो यंग कलेक्टर इन्होंने फिल्माया है, शुभम वर्मा जी हमारे साथ में, फाइल लेके दफ्तर बजाते हैं, स्टार्टिंग में दिखाते हैं, कैसा महसूस किया, इस अनुभव को कैसे जिया आपने? जी सर, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी भारी संख्या में ये फिल्म देखने आए, और ये मुझे इस फिल्म में दूसरा चांस मिला है शुभम शर्मा जी के साथ काम करने का। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने जो मुझे दोबारा चांस दिया, और मेरी ये उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म इतने बड़े स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। और इस फिल्म की स्टोरी, राइटिंग, डायरेक्टिंग और स्क्रीन प्ले बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब रहा। बस मैं चाहता हूँ कि शुभम सर ऐसी फिल्में बनाते रहे, हमसे हमें जोड़ के रखें, हमें आगे बढ़ाएं। मानसी का धन्यवाद किन शब्दों में करना चाहेंगे? मानसी का धन्यवाद सर, उनका धन्यवाद के लिए मेरे कोई शब्द नहीं है, बस मेरी भगवान से ये दुआ है कि मानसी और आगे बढ़े और खूब तरक्की करे। बोलिए जरा, आपकी पट्टी काका, आपकी रिटायरमेंट नहीं काका, आपकी जॉइनिंग हुई है, ये देखिए काका।